हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक नया बिजनेस करने का तरीका, जिससे आप दिन का 8 से 10 हज़ार आराम से कमा सकते हो और आप इजीली छोटी सी जगह पर भी अपना अलग से बिजनेस कर सकते हो। तो मैं आज आपको एक नॉन इलेक्ट्रिक जो मशीन है उसके बारे में, कैसे इसका बिजनेस करना है, कैसे उसका सेटअप करना है, कैसे उसका फ्लेवर बनाना है और कैसे मशीन चलाना है, उसका पूरा आज आपको मैं डेमो दिखाऊंगा और कैसे इसको यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए इसका कैसे प्रोसेस होता है, कैसे फ्लेवर इसका बनाते हैं और कैसे इसको यूज़ करना है, ये सब देखने के लिए हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये नॉन इलेक्ट्रिक का मशीन है। ये देखिए, इसकी टैंक है। ये जो टैंक है इसमें आपको सिर्फ बर्फ़ और पानी डालना है। अभी हम आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे कि ये जो मशीन है इसमें आपको कैसे पानी और बर्फ़ डालना है और ये मशीन का कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, अभी ये जो टैंक है, ये जो नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है इसमें 18 लीटर की ये टैंक है, इसमें अभी जो ये पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, अभी पानी ऐड हो रहा है और अभी जो टैंक है ये पानी से फुल हो जाएगा। और ये जो टैंक है इसमें जो पानी डालना है, आप चिल पानी भी डाल सकते हैं और नॉर्मल पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पानी है, ये जो पानी डालने के बाद इसमें बर्फ़ डाला जाएगा, ये भी आपको पूरा प्रोसेस करके हम लोग दिखाएंगे। ये अभी धीरे धीरे जो टैंक है उसमें पानी का प्रोसेस हो रहा है और पूरा पानी डाल रहे हैं इसमें। अभी ये देखिए, पानी डाल दिया है इसमें। अभी ये जो आपने अगर नॉर्मल वाटर डाला है तो जो वाटर है उसको चिल करने के लिए आपको आइस डालना पड़ेगा। तो इसमें आप इस तरह से आप आइस डालोगे, ये जो टैंक है उसमें आपको आइस डाल देना है। ये बस इसका इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसको पानी और आइस दोनों ऐड कर देना है और उसके बाद जो उसका टैंक है उसको बंद कर देना है। ये जो पानी है ये आपको 15 से 20 मिनट में आराम से पूरा चिल हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टमर को अब जो सोडा है और जो दूसरा फ्लेवर वाली जो दूसरी सोडा है, जूस है, ये पूरा आप उसको चिल्ड और स्ट्रॉन्ग सर्व करने के लिए दे सकते हो। ये देखिए, अभी जो टैंक में पानी और बर्फ़ डाल दिया है उसके बाद अभी ये टैंक पूरा पैक कर रहे हैं और ये पैक हो गया है। उसके बाद अभी उसका पूरा ढक्कन लगा देंगे। बस इसका जो नॉन इलेक्ट्रिक जो मशीन है उसका जो फ्लेवर बनाने का है, ये और कैसे आपको यूज़ करना है उसका, ये पूरा उसका प्रोसेस था। ये जो प्रोसेस है मैंने आपको इजीली कैसे करना है ये पूरा आपको मैंने दिखाया है। ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ अभी 3 मशीन है। ये जो पहला मशीन है 2-in-1 मशीन है, उसके बाद सिंगल वाल का मशीन है और उसके बाजू में वो भी सिंगल वाल का मशीन है। ऐसे अलग अलग तरह के हमारी कंपनी मशीन बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने आपको ये जो टैंक में प्लान छोड़ा के लिए दिखाया कि इसमें वाटर कैसे ऐड करना है और इसमें आइस कैसे ऐड करना है, वो आपको ऐड करके हमने दिखाया है। अभी मैं आपको जो मैंगो है, फिर जो सिरप वाला सोडा है, मतलब जीरा है, ऑरेंज है, ऐसी जो अलग अलग टाइप की सोडा है और जूस है वो कैसे ऐड करना है और इसमें से कैसे आपको निकालना है उसका प्रोसेस मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये मैंने मैंगो का फ्लेवर बना लिया है और अभी इसको हम टैंक में डालेंगे और ये टैंक में इसमें डालने के बाद इसको नॉन इलेक्ट्रिक मशीन में कैसे लगाना है और इसमें आपको इसका यूज़ कैसे करना है ये पूरा मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। जो अभी ये जो मैंगो का हमने जूस बना लिया है ये अभी मैं टैंक में डाल रहा हूँ। तो देखिए, अभी ये मैंने जो बनाया था 18 लीटर का पूरा, ये पूरा बना के अभी टैंक में मैंने लगा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपने देखा कि हमने इसमें मैंगो का फ्लेवर टैंक में बनाया और इसमें जो नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है उसमें हमने जो प्लेन सोडा का वाटर और जो आइस है उसमें हमने टैंक में डाला है। अभी हमने ये जो मैंगो है कैसे कनेक्शन लगाया है, सिलेंडर का इसमें कैसे कनेक्शन है और इसमें कैसे कनेक्शन करके आपको यूज़ करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं,
ये जो टैंक है इसमें मैंने अभी जो मैंगो का फ्लेवर बनाया है ये पूरा लगा दिया है, और इसका जो कनेक्शन है ये पूरा मशीन में लगा दिया है। ये जो हमने यहाँ पर CO2 जो सिलेंडर है इसमें हमने इसका पूरा जो सेटअप लगा दिया है, और इसका जो पूरा जो इसका प्रेशर है वो पूरा सेट कर दिया है, और जो जो ये जो अंदर जो टैंक है उसमें हमने जो पानी और ये जो आइस दोनों डाल दिया था, ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे सेटअप कर दिया है। उसके बाद में आपको हम लाइव डेमो करके और कैसे कस्टमर को सर्व करके देना है और आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो मशीन है ये आप देखिए कहीं पर भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा नॉन इलेक्ट्रिक मशीन है। ये इसमें आपको सिर्फ ये जो मशीन है इसके टैंक में आपको जो वाटर है और आइस है ये दोनों का ही सिर्फ यूज़ करना है, और आपको जो फ्लेवर बनाना है वो इसी टैंक में आपको बना के डाल देना है और डायरेक्ट इसमें कनेक्शन दे देना है। मतलब जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की कहीं पर भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी छोटी सी जगह में भी इसका सेटअप करके, मतलब छोटी सी जगह हो, रेलवे स्टेशन हो, मॉल हो, बस स्टॉप हो, या भीड़भाड़ वाला इलाका हो, गार्डन हो, कहीं पर भी आप ये जो मशीन है इसको आसानी से लगा के बिना बिजली के यूज़ से ये मशीन आप पूरी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इसका लाइव डेमो कैसे करना है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो देखिए अभी मैंने जो प्लेन सोड़ा और आइस को लगाया था इससे अभी जो प्लेन सोड़ा हो गई ये मैं आपको इसका डेमो करके दिखा रहा हूँ। इसको ऐसे प्रेस करना है, ये देखिए अभी प्लेन सोड़ा आ रहा है, ये देखिए इसमें भी कितना झाग है और ये कितना स्ट्रॉन्ग सोड़ा है। इसी तरह से आप इसमें मैंगो भी निकाल सकते हो। ये जो गिलास है अभी मैं आपको इसमें मैंगो निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए ये अभी मैंने जो मैंगो का कनेक्शन लगाया था उसी तरह से ये आप मैंगो इसमें लगा के आप आसानी से बेच सकते हो। ये देखिए अभी इसमें से मैंने मैंगो निकाला है और इसमें से प्लेन सोड़ा निकाला है। उसी तरह से आप अलग अलग फ्लेवर लगा के इसमें अलग अलग फ्लेवर बेच के अपना एक दिन का बिजनेस आसानी से 8 से 10 हज़ार का कमा सकते हो। और ये जो प्लेन सोड़ा है ये आपको आराम से 1.5 रुपये में बन जाती है, और आप आराम से 5, 6 या 8 रुपये में बेच सकते हो। और ये जो फ्लेवर वाली सोड़ा है, मतलब मैंगो है, ऑरेंज है, जीरा है, पाइनएप्पल है, वैसी कोई भी सोड़ा है, ये आप आसानी से आपको 2.5 रुपये में पूरी बन जाएगी, और आप आराम से 10 रुपये या 15 रुपये में बेच सकते हो। अगर इसमें आप अलग से कोई टॉपिंग करोगे, मतलब काजू है, द्राक्ष है, ऐसा ऊपर से आप डाल के इसमें बेचोगे तो आप आराम से ये जो गिलास है ये 20 से 25 रुपये में आराम से बेच सकते हो। और अगर आपको ये मशीन ख़रीदनी है या ये मशीन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर हमारा कॉन्टैक्ट करना है, और हमारी जो मार्केटिंग की टीम है वो आपसे बात करेगी और जो मशीन के बारे में पूरी जानकारी देगी, और ये मशीन के बारे में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में पूरी आपको बताया जाएगा। और अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हो तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आपको बात करना है, और उसका जो टोकन अमाउंट हमारा मिनिमम रहता है वो आपको टोकन अमाउंट जमा करवाना है। उसके बाद यहाँ से हम मशीन जो कस्टमर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ये जो मशीन है वो कस्टमर के वहाँ पहुँचेगी, उसके बाद कस्टमर को बाकी का जो पेमेंट रहता है वो हमको देना रहता है, जो कंपनी में पे करना रहता है। तो ये जो फैसिलिटी ये भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।